पहले आपको स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है स्टूडेंट लॉगिन में आपको अपना नेम राइट करना है आई एम गोइंग टू राइट माई नेम एन यूज पासपोर्ट वन टू थ्री फोर पासपोर्ट को एंटर करने के बाद आपको क्या करना है सेशन को स्टार्ट कर देना है इसको आप नॉट uh, नाउ भी कर सकते हैं तो इस तरीके की आपको स्क्रीन शो करेगा डेट मेंशन नहीं है बट चैप्टर वन टू रिवीजन सेशन सब्जेक्ट टीचर एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी तो आपको क्या करना है कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर वर्क ऑन कंप्यूटर किस चीज़ से वर्क करता है या किस पर करता है वो दिन कंप्यूटर वर्क बेसिकली ऑन कमांड्स कंप्यूटर वाटर पर तो वर्क करता नहीं है वाटर के थ्रू तो वर्क करता नहीं है तो कंप्यूटर वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ कमांड्स सबमिट कर देंगे एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट है आई एंटरटेन यू यू हु एम आई मीन्स मैं आपको मनोरंजन दिलाता हूँ या फिर मैं आपको आपके इंटरेस्टिंग वीडियोज़ या फिर जो भी चीज़ें आप देखते हैं वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ तो बेसिकली आप टेलीविज़न से देखते हैं या फिर वॉशिंग मशीन से तो स्टूडेंट बेसिकली हम टेलीविज़न का यूज़ करते हैं इंटरटेनमेंट के लिए तो इंटरटेनमेंट के लिए हम टेलीविज़न का यूज़ करते हैं तो टेलीविज़न पे क्लिक करके आप क्या करेंगे अपने क्वेश्चन को सबमिट कर देंगे नेक्स्ट है हमारा आई वॉश योर क्लॉथ्स हु एम आई मिस मैं वो मशीन हूँ जो आपके कपड़े धुलती हूँ धुलता हूँ या धुलती हूँ जो भी है वो मशीन है तो कौन सी मशीन है कंप्यूटर है या फिर वॉशिंग मशीन बेसिकली कंप्यूटर तो कपड़े धुलता नहीं है तो क्या है वॉशिंग मशीन हमारे क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए हेल्प करती है कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा और स्टूडेंट आपको क्या होगा जो भी आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं उसके डिशन में क्या है आपका जो भी राइट right आंसर है वो आपको तुरंत शो करेगा कि आपका ये आंसर करेक्ट हुआ या फिर रॉन्ग हो गया है विच इज़ नॉट अ मशीन इसमें आपको ये बताना है कौन सी मशीन नहीं है तो बेसिकली वाटर जो है वो मशीन नहीं है कंप्यूटर तो मशीन है सबमिट करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इट कीप्स द फूड कूल एंड फ्रेश हु एम आई मीन्स ये कौन सी मशीन है जो हमारे फूड को हमारे भोजन को या फिर हमारे जो भी फूड प्रोडक्ट हैं उनको क्या करता है ठंडा और फ्रेश रखता है तो बेसिकली हमारा रेफ्रिजरेटर है जिसको हम फ्रिज बोलते हैं सभी के घरों में होते हैं देन वॉशिंग मशीन भी सभी के घर में होती है बट वॉशिंग मशीन का अदर पर्पज़ है एंड रेफ्रिजरेटर का अदर पर्पज़ है तो बेसिकली रेफ्रिजरेटर में हम अपने फूड को कूल और फ्रेश रख सकते हैं सबमिट कर देंगे एंड देन कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें स्क्रीन पे शो हो जाएगा आई आई यूज टू सॉल्व सम्स सम्स को सॉल्व करने के लिए हम किसे यूज़ करते हैं कंप्यूटर को यूज़ करेंगे या फिर आयरन को यूज़ करेंगे बेसिकली आयरन तो हम अपने क्लॉथ्स को आयरन करने के लिए यूज़ करते हैं कपड़ों को इस्त्री करने के लिए यूज़ करते हैं सो so, कंप्यूटर का हम यूज़ करेंगे अपने सम्स को सॉल्व करने के लिए सबमिट करेंगे न कंटिन्यू नेक्स्ट है हमारा आई हेल्प यू टू इन टाइपिंग हुए मई मैं आपको टाइपिंग करने के लिए मदद करता हूँ जो भी आप वर्ड्स या लेटर्स या फिर जो भी आप, आप अल्फाबेट्स को टाइप करते हैं उसको टाइप करने में हेल्प करता हूँ तो मैं कौन हूँ आमा की बोर्ड और आमा आयरन तो आयरन है बेसिकली क्लॉथ्स के लिए यूज़ करते हैं एंड कीबोर्ड का हम टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं सबमिट करेंगे अपने आंसर को देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हमारा ये आंसर भी करेक्ट है नेक्स्ट पे जाएंगे द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस वॉस फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस बेसिकली फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस चाइनीज पीपल्स ने बनाई थी एबैकस जिसे बोलते हैं तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एबैकस क्वेश्चन नंबर एट हमारा कंप्लीट हो गया है न ट्वेल्व क्वेश्चन आर रिमेन नेक्स्ट आई डिस्प्ले योर रिजल्ट आई डिस्प्ले योर रिजल्ट ऑन जो हमारा रिजल्ट है जो भी हम काम करते हैं वो रिजल्ट हमें किस पे शो होता है मोनीटर पर या फिर कीबोर्ड पर तो स्टूडेंट बेसिकली जो मोनीटर है मोनीटर को हम डिस्प्ले डिवाइस बोलते हैं या मोनिटर हमारा सेम लुक् एज लाइक अ टेलीविजन सो हमारा जो भी वर्क है वो हमें मोनीटर की स्क्रीन पर शो होता है सो इट इज़ अ डिस्प्ले डिवाइस सो द रिजल्ट इज़ डिस्प्ले ऑन द मोनीटर स्क्रीन नाउ कंटिन्यू करने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर टेन आ जाएगा देन इसके बाद हमें क्या करना है टेंथ क्वेश्चन में कंप्यूटर नेवर गेट्स कंप्यूटर कभी नहीं क्या कर कभी नहीं फील करता है या फिर क्या टायर्ड नहीं फील करता है या फिर फ्रेश नहीं फील करता है तो कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड मीन्स कंप्यूटर कभी भी टायर्ड फील नहीं करता है फ्रेश तो अगर वो मशीन है या फिर फ्रेशनेस तो फिर अलग चीज़ है बेसिकली फ्रेशनेस की तो बात यहाँ पे नहीं आएगी बेसिकली कंप्यूटर की बात हो रही है तो कंप्यूटर टायर्ड फील कभी भी नहीं करेगा वो कंटिन्यूसली ट्वेंटी फोर आवर्स वर्क लगातार कर सकता है कंप्यूटर वर्क्स वेरी कंप्यूटर काम करता है बहुत धीरे या फिर तेज स्लो और फास्ट तो कंप्यूटर हमारा जो वर्क करता है वो फास्ट करता है सबमिट करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट है वे प्ले ऑन द कंप्यूटर वी प्ले ऑन द कंप्यूटर पर हम क्या प्ले कर, करते हैं डांस या फिर गेम बेसिकली हम कंप्यूटर पर खेलते क्या हैं हम लोग कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हैं वी प्ले वी प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर कंटिन्यू करना है नेक्स्ट है कंप्यूटर यूजुअली डू नॉट मेक एनी कंप्यूटर यूजुअली क्या नहीं करता है गुड वर्क नहीं करता है या फिर मिस्टेक नहीं करता है तो कंप्यूटर जो भी काम करता है वो अच्छे फॉर्म में करता है मीन्स विदाउट एनी मिस्टेक करता है जो भी हमारा वर्क होता है उसको प्रॉपर मैनर में करता है इट मीन्स इट परफॉर्म अ गुड वर्क बट

ये e क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है कंप्यूटर को किसी भी काम को करने के लिए वाटर की नीड नहीं होती है बिकॉज कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन सो दैट्स वाई इट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू डू कंप्लीट द वर्क और कंप्लीट द टास्क नाउ सबमिट अगेन कंटिन्यू नेक्स्ट है विच मशीन इज़ यूज टू आयरन योर क्लॉथ्स जो मशीन है वो कौन सी मशीन है जो कपड़ों को आयरन करने के लिए यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट हम लोग कंप्यूटर से अपने क्लॉथ्स को आयरन करते हैं या फिर आयरन मशीन से हम क्लॉथ्स को आयरन करते हैं तो बेसिकली जो कंप्यूटर है कंप्यूटर से तो हम आयरन करते नहीं हैं कपड़ों को प्रेस करते नहीं हैं तो हम आयरन मशीन से ही अपने क्लॉथ्स को आयरन करते हैं या प्रेस करते हैं तो सबमिट करेंगे अपने आंसर्स को क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे देन हमारा नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन आ जाएगा इट इज ऑल्सो नोन एज अ स्मार्ट मशीन इस मशीन को स्मार्ट मशीन भी बोला जाता है बेसिकली किस मशीन को स्मार्ट मशीन बोला जाता है स्टूडेंट हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस किया था बेसिकली कंप्यूटर को स्मार्ट मशीन बोला जाता है सबमिट करेंगे आई यूज टू प्रिंट ऑन पेपर मैं बेसिकली जो भी मशीन है ये वो पेपर पर प्रिंट करती है तो बेसिकली कौन सी मशीन प्रिंट करती है माउस करता है या फिर प्रिंटर देन प्रिंटर क्या है प्रिंटर एक ऐसी मशीन है जो पेपर पर प्रिंट करता है और प्रिंटेड कॉपी को हम क्या बोलते हैं प्रिंटेड कॉपी इज नोन एज हार्ड कॉपी जो भी हमें प्रिंटेड कॉपी मिलती है उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं नेक्स्ट है आई हैव मैनी कीज मीन्स मेरे पास बहुत सारी कीज हैं तो मैं कौन हूँ मॉनिटर हूँ या फिर कीबोर्ड हूँ तो बेसिकली मॉनिटर में तो कम कीज होती हैं बट क्या है कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती हैं मोर देन वन हंड्रेड वन सो आर करेक्ट आंसर इज कीबोर्ड नाउ नेक्स्ट विल कंटिन्यू आई वर्क ऑन कमांड्स बेसिकली हु वर्क ऑन कमांड्स कंप्यूटर्स और प्लांट्स बेसिकली कंप्यूटर क्या करता है कमांड जैसे भी कमांड्स देते हैं उस कमांड्स के अकॉर्डिंग क्या करता है वर्क करता है बट जो प्लांट हैं वो किसी की कमांड के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते वो अपने सर्वाइवल के अकॉर्डिंग अपना जो भी प्रोसेस है उसको डन करते हैं देन क्या है कंप्यूटर कमांड के बेसिस पर वर्क करता है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है कंप्यूटर है उसके बाद हम सबमिट करेंगे न लास्ट क्वेश्चन इज देयर कंप्यूटर नीड्स टू रन कंप्यूटर को रन कराने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है बेसिकली हमें फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती है इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है फ्यूल बेसिकली डीजल पेट्रोल हम लोग अपने व्हीकल्स के लिए यूज़ करते हैं बट हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है अपने कंप्यूटर सिस्टम को रन कराने की तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना रहा है ट्वेंटी आउट ऑफ ट्वेंटी स्कोर है देन इफ यू गॉट गुड मार्क्स देन यू ऑल्सो गोट गॉट अ रिमार्क वेल डन कीप इट अप इफ यू गॉट लेस मार्क्स मीन्स लेस देन टेन देन यू गॉट अनदर रिमार्क तो स्टूडेंट अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आपको क्या है इस तरीके से रिमार्क भी मिलेगा फिर आपको एक टाइम ड्यूरेशन भी शो हो रहा है कि किस ड्यूरेशन में आपने अपने टेस्ट को कंप्लीट किया है आई हैव डन माय टेस्ट अलेवन मिनट फिफ्टी वन सेकेंड With all explanation and आपका नेम यहाँ पे शो होगा एंड साथ में आपकी डेट और टाइम भी शो होगी स्टूडेंट ये आप क्वेश्चन सारे देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं मिस्टेक्स कहाँ पे हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं देख सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग है आपका रॉन्ग हो गया है तो आप उसको दोबारा से समझ सकते हैं कि आपकी कहाँ पे मिस्टेक है देन एक चीज़ और भी है स्टूडेंट्स आपकी बुक में ये एम नहीं है तो आप कोशिश करिएगा इनका स्क्रीन शॉट लेके इनको दोबारा से प्रैक्टिस करने के लिए या फिर इनको कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं आप लोग बहुत लेंदी वर्क भी नहीं है आप इन्हें कर लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी आज के सेशन में हम लोग सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे बाकी नेक्स्ट डे आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक शेयर कर दूँगा टेस्ट का एंड पास कोर्ड देन आपको क्या करना है अपना टेस्ट अटैम्प्ट करना है कुछ क्वेश्चन इसमें से क्या होंगे रिमूव होंगे और एक दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं तो आपको पूरे फुल चैप्टर्स रिवाइज करने हैं चैप्टर वन एंड टू थैंक यू बाय बाय टेक केयर